हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे होंगे? आप सब खैरियत से होंगे। और आज का इतने दिनों से मैं कोई व्लॉग नहीं डाल रही थी, आप सभी को पता है। और अभी सुबह का टाइम हो रहा है तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ नाश्ता। मैं यहाँ पर है ना, आलू गोभी के पराठे हैं और दही है, साथ में अचार है, इसके डैडी को खिला रही हूँ मैं। और सुल्तान लेने का टाइम होने वाला है, मैंने पूरी सफाई कर दी किचन की। और सुल्तान लेने का टाइम होने वाला है, उनको भी नाश्ता करा दिया था मैंने। और तो वो मदर से चले जा चुके हैं और अब मैं आलू गोभी की यहाँ पर सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो बस है ना, आलू गोभी की सब्ज़ी बना लेते हैं क्योंकि फिर सुल्तान इलियान आ जाएंगे ना, तो मुझे कुछ करने नहीं देंगे वो। तो जल्दी से इसको बना लेते हैं। तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, पहले काट रही हूँ मैं। फिर अब मैंने गैस ऑन करके पैन रख दिया है, उसको उस पर ना पानी रख दिया है क्योंकि मैं उसको बॉईल करूँगी दो बार। तो मैंने इसको वॉश कर लिया है क्योंकि क्या पता इसके ना कीड़े हों या गंदगी हो, तो मैं इसको है ना बॉईल करके बनाती हूँ। बॉईल करने के बाद भी, इसको छानने के बाद में मैं इसको ना दो बार और वॉश करती हूँ क्योंकि इसको बच्चे खाते हैं, अगर कुछ भी कीड़ा वीड़ा चल गया ना तो बेड़ा घड़ा ही हो जाएगा। तो बस इस वजह से ना पानी बॉईल हो जाए, वहाँ पर क्रश करके मैं अदरक भी डालूंगी, उससे अच्छा टेस्ट आता है आलू गोभी में। तो बस यहाँ पर पानी बॉईल हो चुका है, अब मैं आलू डालूंगी और गोभी डालूंगी। यहाँ पर मैं छाछ बनाने जा रही हूँ क्योंकि मैं डेली ना गर्मियों में छाछ पीती हूँ। दही छाछ तो मेरा रहता ही रहता है डेली, बहुत अच्छा रहता है सेहत के लिए भी अगर आप डेली पीते हैं तो। और यहाँ पर मैंने क्या करा है, छाछ बनाना बता रही हूँ मैं आपको। यहाँ पर मैंने इतनी सारी छाछ ले ली है, इसमें मैंने ना भुना हुआ जीरा नहीं होता कूट के क्रश करके डाला है, इसमें सोल्ट डाला है। और अगर आपको अच्छा लगता है ज़ीरा तो आप डालें, नहीं तो नहीं। और यहाँ पर पानी बॉईल हो चुका है, दोनों चीज़ें मैंने ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ी देर तक, 5 मिनट तक इसको मैं बॉईल करूँगी ढक के, फिर ये बॉईल हो जाएगा ना तो फिर मैं छान लूँगी। तो बस यहाँ पर मैं भुना हुआ ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। भुना हुआ ज़ीरा ऐड करने के बाद में मैं अच्छे से मिला लूँगी इसको, इसमें नमक भी डाल दूँगी और शक्कर आपके हिसाब से डालें आप। अगर फीका पीना चाहती हैं तो फीका भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो बस यहाँ पर शक्कर भी मैंने ना 4 चम्मच डाली है, मतलब जितने जने पीते हैं ना उसके हिसाब से शक्कर डालती हूँ। और उसके हिसाब से मतलब एक दो एक्स्ट्रा डाल देती हूँ मैं, मतलब बिल्कुल सही क्वान्टिटी में डलता है। फिर मैं यहाँ पर है ना जो क्या मिक्सी बोलते हैं इसको, मिक्सर बोलते हैं क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, तो इससे मैं इसको पूरे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। और फिर इसमें क्या है, बबल आ जाते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इससे शक्कर वगैरह सब मिल जाती है अच्छी तरीके से और बहुत ही बड़ा टेस्ट आता है, जैसे ना ढाबे पर नहीं मिलती इस टाइप का टेस्ट आता है इसमें, रेस्टोरेंट टाइप। तो बस ये हमारी बन चुकी है, 5 मिनट कर लें बस इसको। सुल्तान इलियाना भी आ चुके हैं, अब वो क्या कर रहा है कि ना वनीला आइसक्रीम लेके आ चुका है कि मैं शेक बनाऊंगा। मैंने कहा दूध फ्रिज में रखा है, आप शेक बनाओ, तो मैं उसका शूट करूंगी, आपको बताऊंगी कि सुल्तान जब चीज़ें बनाता है तो कितनी मस्त वाली बनाता है। तो बस आपको दिखाऊंगी। हमारी छाछ यहाँ पर बन के रेडी हो चुकी है, इसके डैडी को दे देती हूँ और मैं भी पी लेती हूँ। बच्चे नहीं पीते, बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, तो बच्चे तो बस शेक वगैरह पीते हैं। और हमारे यहाँ पर बॉयल हो चुके हैं, सब्ज़ी बनाने के लिए एकदम रेडी हो चुकी है। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, डेली रील्स आ रही है वहाँ पर। मेरी तबीयत खराब के कारण इसलिए व्लॉग नहीं आ रहे थे, लेकिन अब मैंने हिम्मत करी क्योंकि काफ़ी मैसेज मुझे इंस्टाग्राम पर आ रहे थे कि आप व्लॉग क्यों नहीं बना रही हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरी बीपी लो है। यहाँ पर मैंने क्या करा, ऑयल गर्म कर लिया है, इसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया है और थोड़ी सी सौंफ ऐड की है, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। थोड़ा सा चटकने देंगे, फिर अदरक क्रश करके डालूंगी अच्छी तरीके से मिलाऊंगी, फिर आलू गोभी और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर और आपके पास मैगी मसाला होना तो उससे बढ़िया टेस्ट आता है, तो वो भी ऐड कर दो उसके अंदर। वो जो आता है ना वाला मैगी वाला मसाला, नहीं जो मैगी का एक और आता है ब्रांड का, तो वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं आप, और नमक डालेंगे इसके अंदर तो हमारी बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये वनीला आइसक्रीम लेके आया है, चॉकलेट्स भी लेके आया सामने ऊपर से गार्निश करने के लिए, इसका देखना कितना अच्छा बनाता है। और जो उसके ऊपर वो आइसक्रीम लगाएगा, चॉकलेट लगाएगा, मज़ा आ जाएगा आपको देख के। तो बस यहाँ पर है ना ये सारी चीज़ें खुद ही लेके आया है, ये बस दूध यहाँ रखा था। और अब इसका शेक देखें बनाने का तरीका।
अभी मैं ना सब्जी तो मैंने बना ली है, अब रोटी है ना, बस इसके डैडी आएंगे तब बनाऊंगी मैं। इलियाना से और एलिप से बोल रही हूँ कि डैडी को लेके आ जाएं ताकि हम सब बैठ के खाना खा लें। और अभी थप्पड़ पड़ने वाला है, एलिप के पड़ चुका है थप्पड़ बढ़िया तरीके से। इतनी अच्छी हवा चल रही, इतना मज़ा आ रहा है ना यहाँ पर, बहुत मज़ा आ रहा है। तो वो जो व्लॉग था ना कि इसके डैडी को लेके आ जाएं, तो उसके बाद में वो लेके नहीं आए थे, वो खुद आ गए थे। फिर उसके बाद में मैंने उनको खाना खिलाया, व्लॉग शूट नहीं किया, और फिर मेरे को नींद आ गई, मैं सो गई, तो मैंने उसको एडिट भी नहीं किया। वो 3-4 दिन से मेरे फ़ोन में पड़ा हुआ था, फिर मैंने अब जाके एडिट कर रही हूँ मैं। तो मैंने क्या करा, अपना जितना भी मेकअप का सामान था ना, मैंने इस तरीके से जमा दिया टेबल पे, तो मुझे इसी तरीके से मैं इसे उठाऊँगी और मेकअप कर लूँगी। तो बस मैंने इसलिए जमा दिया है इसको यहाँ पर इस तरीके से। अभी और है जो मैंने इस साइड मैंने जमा रखा है उसको, आपको आवाज़ आ रही होंगी, बच्चे बाहर खेल रहे हैं धूप में, नहा रहे हैं। इतना मना कर रही हूँ मैं कि लू लग जाएगी तब भी नहा रहे हूँ। और आई होप आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो। अब कंटिन्यू इंशाल्लाह मैं व्लॉग लाने की कोशिश करूँगी। आज के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना, बाय।